युद्ध में लगातार पिछड़ते रूस ने अब फाइनल फैसला कर लिया है। अमेरिका को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि रूस की नेवी बेलगोरोद पनडुब्बी से न्यूक्लियर टॉर्पीडो टेस्ट फायर की तैयारी पूरी कर चुकी है। इस परीक्षण के बाद पुतिन किसी भी दिन परमाणु सुनामी का आदेश दे सकते हैं। इस काम को अंजाम दिया जाएगा रूस की नेवी के जरिए। पुतिन का पूरा प्लान क्या है, नेवी की फ्लीट कहां कहां तैनात की गई है, न्यूक्लियर आर्मगेडन शुरू होने के बाद पुतिन ने जान बचाने की क्या तैयारी की है, ये देखिए हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव सुपर प्राइम टाइम रिपोर्ट में। जिस खाली खेरसोन को यूक्रेन अपनी जीत मान रहा है वो पुतिन की जीत का जाल बन सकता है। रूस की सेना ने खेरसोन खाली किया तो यूक्रेनी सेना ने अपनी पीठ थपथपाई, रूस पर नए सिरे से हमलों की बरसात कर दी। लेकिन अब पुतिन खाली खेरसोन में न्यूक्लियर सुनामी लाने का प्लान बना चुके हैं। महासागर में रूस की नेवी का महाविनाशक फ्लीट तैयारी पूरी कर चुका है। अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली है कि पुतिन परमाणु हमले की प्लानिंग बना चुके हैं। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि रूस के नेवी फ्लीट परमाणु परीक्षण की तैयारी में है। रूस न्यूक्लियर पावर सबमरीन बेलगोरोद से न्यूक्लियर टॉर्पीडो दाग सकता है। रूस के पास आर्कटिक सागर में बीते हफ्ते भी परमाणु परीक्षण की तैयारी की गई थी, लेकिन किसी तकनीकी दिक्कत के चलते रूसी नेवी फ्लीट को पोर्ट पर लौटना पड़ा। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोद नेटो की सीमा से महज 200 मील दूर देखी गई है। इस सबमरीन में 10 से ज्यादा पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन टॉर्पीडो है। इनको समंदर में फायर करने के बाद रेडियो एक्टिव सुनामी आ जाएगी और दुश्मन इलाके के पूरे कोस्ट लाइन को तबाह कर देगी। अमेरिका ने कहा है कि संभव है कि रूस इसी परीक्षण की तैयारी में रहा हो, लेकिन टेक्निकल समस्या के चलते परीक्षण टालना पड़ा। अब फिर टेस्ट फायर की तैयारी पूरी हो गई। नेटो सीमा के पास घूमती सिटी किलर कही जाने वाली बेलगोरोद के साथ साथ भूमध्य सागर और ब्लैक सी में रूस ने अपना विध्वंसक नेवी फ्लीट अलर्ट कर दिया है। रूस के 14 युद्धपोत ब्लैक सी में तैनात हैं। इनमें एक कैलिबर क्रूज मिसाइल कैरियर है। रूस के 10 युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात हैं। इस बेड़े में 5 कैलिबर मिसाइल कैरियर है। कर्च स्ट्रेट से बॉस्फोरस स्ट्रेट तक रूस की नेवी ने यूक्रेन और नेटो संगठन के देशों का घेराव कर लिया है। पुतिन का परमाणु प्लान एक्टिवेट हो चुका है। बेलगोरोद पनडुब्बी से टेस्ट फायर के बाद परमाणु सुनामी का बटन दबाया जा सकता है। पुतिन ने अगर परमाणु सुनामी का बटन दबाया तो फिर आर्मागेडन छिड़ना तय है। बाइडेन पहले ही ये चेतावनी दे चुके हैं कि रूस ने पहला वार किया तो दुनिया में विनाशक युद्ध छिड़ जाएगा। परमाणु सुनामी वाला हमला किया गया तो रूस पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के परमाणु हथियारों की बौछार शुरू हो जाएगी। ऐसे हालात में पुतिन और रूस की रणनीति बनाने वालों की जान बचाने का बंदोबस्त कर लिया गया है। मॉस्को से 1400 किलोमीटर दूर है रूस की उराल माउंटेन रेंज। इस विशाल पर्वतमाला में पुतिन की जान बचाने का इंतजाम हो चुका है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक उराल माउंटेन रेंज अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन इसी माउंटेन रेंज में एक सीक्रेट सिटी है जो नजर नहीं आती। इन पहाड़ों के सैकड़ों मीटर नीचे बनाया गया है न्यूक्लियर हमले में जान बचाने वाला एक शहर। उराल माउंटेन रेंज में रूस ने कई सीक्रेट ठिकाने बनाए हैं। पहाड़ों के नीचे पूरा सीक्रेट शहर बसाया गया है। इनका डिजाइन ऐसा है कि इनके अंदर रेडिएशन नहीं पहुंच सकता। इसमें लंबे वक्त तक रहने के सभी इंतजाम है। खाना, पानी, बिजली सहित सभी जरूरी इंतजाम इस शहर के अंदर है। अमेरिका को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि पुतिन ने उराल माउंटेन रेंज में सभी सीक्रेट ठिकाने आपातकाल के लिए तैयार करा लिए। कजाकिस्तान बॉर्डर तक फैले इन पहाड़ों में एक है माउंट यामंताव। कहा जाता है कि इसी पहाड़ के नीचे पुतिन का सबसे सीक्रेट न्यूक्लियर कमांड बंकर है। ९५ में इस सीक्रेट सिटी की कुछ सैटेलाइट इमेज अमेरिका ने ली थी। तस्वीरों पर सवाल उठे तो रूस ने यह बताने से इनकार कर दिया कि इस लोकेशन पर बनाया क्या जा रहा है। इन ठिकानों की ठीक ठीक लोकेशन अमेरिका भी नहीं जानता है, लेकिन हम आपको अमेरिका का अंडर माउंटेन सिटी दिखाते हैं जिससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के सीक्रेट ठिकाने कैसे देखते होंगे।
यह है रैबन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। ये पहाड़ों के नीचे बनाया गया शहर है। परमाणु हमले की सूरत में अमेरिका के राष्ट्रपति और बाकी वीआईपी इसी जगह पहुंचेंगे। रैबन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स गूगल अर्थ के जरिए कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर क्या है ये एक रहस्य है। उराल माउंटेन रेंज में पुतिन के ठिकाने भी कुछ इसी तरह के हैं, जिन्हें परमाणु हमले से बचने के लिए तैयार कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष।